अगर आपके टिकट स्लीपर बोगी के अंदर कंफर्म कर ले तो उसके बाद आप जैसे ही स्लीपर बोगी में चढ़ रहे हो, चढ़ने के बाद आपके टिकट के हिसाब से आपके सीट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको सीट को ढूंढने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग अलग टाइप के कैटेगरी का सीट देखने को मिल रहा है। एंड आप पता कैसे करोगे कि आपका सीट कौन सा है? तो आज की इस वीडियो के माध्यम से, मतलब एक स्लीपर बॉगी के अंदर टोटल 5 अलग अलग टाइप के कैटेगरी का सीट देखने को मिल रहे हैं। अगर आप उस 5 अलग अलग टाइप के कैटेगरी का सीट को अच्छे से समझ लेते हो, उसके बाद आप बहुत ही आसानी से आपके सीट को फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा कि एक बॉगी के अंदर जो 5 अलग अलग टाइप के कैटेगरी का सीट होता है वो क्या होता है, मतलब आपको कैसे समझना होगा, एंड उसके बाद आपके टिकट के हिसाब से आपके सीट को कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में जरूर एंड तक बने रहना। एंड वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले बजे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल विद पिक्चर के तहत समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आपके टिकट के अंदर सबसे पहले आपको बॉगी नंबर देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ इस टाइप का, क्लियर ना। यहां पर आपका सबसे पहले S1 S2 S3 S4 कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका बॉगी नंबर, क्लियर ना। तो आपको सबसे पहले आपका जो नंबर लिखा हुआ है S1 S2 S3, मान लो कि मैं मान के चलता हूँ कि आपके सीट टिकट के अंदर मतलब सबसे पहले S3 लिखा हुआ है, तो आपको S3 बॉगी फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर है। आप सिंपली फाइंड आउट जैसे कर लोगे उसके बाद उस बॉगी में चढ़ लेना, क्लियर। उसके बाद स्लैश देखिए आपको कुछ नंबर देखने को मिल रहे हैं, क्लियर ना, 15 हो, 20 हो, 25 हो, कुछ इस टाइप का आपको नंबर देखने को मिल रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि आपके टिकट के अंदर स्लैश देखिए 15 लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका सीट नंबर, क्लियर ना। आपको 15 नंबर सीट ढूंढना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है उस बॉगी के अंदर। आप जैसे ही 15 नंबर सीट को फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे सीट हैं एंड एक ही जगह पे सारे नंबर लिखा हुआ है, क्लियर ना। एंड उन सारे नंबरों में से मतलब वहाँ पर 2-3 सीट अलग अलग है, उन तीनों सीट में से आपका सीट को पता लगाना होगा। अब आ जाता है कि यहाँ पर आपका कौन सा सीट है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको टोटल एक ट्रेन के अंदर 5 अलग अलग टाइप के कैटेगरी का सीट देखने को मिलेगा, जैसे कि एक हो गया आपका साइड लोअर, क्लियर ना, मतलब SL, जैसे कि स्क्रीन पे आपको देखने को मिलेगा। ये वाला हो गया साइड में सीट, साइड में है ना, तो ये हो गया आपका साइड में नीचे की तरफ है, इसीलिए साइड लोअर, क्लियर। लास्ट में आपका SL है तो आपको साइड लोअर वाला सीट को ढूंढना होगा, क्लियर। एंड अगर आपका लास्ट में SU है मतलब आपका सीट हो गया साइड अपर, मतलब ऊपर वाला सीट, साइड में ऊपर वाला सीट, क्लियर। एंड इस साइड में देखो आपको टोटल 3 टाइप के अलग अलग कैटेगरी का सीट देखने को मिल रहा है। एक हो गया आपका UB मतलब अपर बेथ, एक हो गया MB मतलब मिडिल बेथ, एंड लास्ट में हो गया LB मतलब लोअर बेथ। उसके बाद आपके टिकट के अंदर स्लैश देके कौन सा चीज़ लिखा हुआ है आपको ढूंढना होगा, क्लियर ना। मैं मान के चलता हूँ कि MB लिखा हुआ है, तो आपको समझना होगा कि आपका हो गया मिडिल बेथ, मतलब जिस जगह पे आपका नंबर लिखा हुआ है उसी मतलब साइड पे आपको मिडिल बेथ में चढ़ना होगा। एंड अगर मान लो कि आपका LB है मतलब लोअर बेथ हो गया, मतलब नीचे वाला सीट आपका हो गया, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है तो ये वाला सीट आपका हो गया। अगर आपका UB लिखा होगा तो आपको अपर बेथ मतलब सबसे ऊपर में चढ़ना होगा, क्लियर। एंड अगर इस साइड में लास्ट में आपका SL है मतलब साइड लोअर, क्लियर ना, मतलब साइड में आपको लोअर बेथ में चढ़ना होगा। अगर आपका लास्ट में SU है मतलब साइड अपर, तो आपको साइड में ऊपर वाला सीट में चढ़ना होगा। आशा करता हूँ कि आपको डिटेल में पता लग चुका है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका टिकट मान लो कि कन्फर्म नहीं है, मतलब सबसे पहले आपका कन्फर्म नहीं लिखा हुआ है, आपका लिखा हुआ है RAC, क्लियर ना। RAC का मतलब हो जाता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन, मतलब किसी का टिकट अगर कंफर्म है एंड वो बंदा कैंसिल कर देता है उनका टिकट, तो आपका RAC नंबर घट जाएगा, मतलब अगर आपका RAC 1 है तो आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता है, क्लियर ना। तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है एंड RAC में रह जाता है, तो आपको क्या करना होगा, CR करके जाना होगा, मतलब एक सीट पर 2 बंदा चलेगा। मान लो कि आपका सीट आपने फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद कोई भी बंदा आके आपको कह रहा है कि ये वाला सीट मेरा भी है, तो आपको उनके साथ शेयर करना होगा, उनको बोलना होगा कि देखो देखो भैया ये सीट RAC में है, मतलब यहाँ पर 2 बंदों को शेयर करके जाना पड़ेगा, क्लियर ना। लेकिन अगर आपका सीट कंफर्म हो जाता है एंड कोई भी बंदा आपको शेयर करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप उनको बोलना कि देखिए मेरा सीट कंफर्म हो चुका है, ये बिल्कुल मेरा अकेला है, मतलब यहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं करना होगा मुझे, क्लियर ना। आशा करता हूँ कि एक स्लीपर बोगी के अंदर जितने सारे कैटेगरी का सीट देखने को मिल रहा है आपको सारे सीटों के बारे में डिटेल में पता लग चुका है। एंड जैसे ही आप सामने की तरफ जाओगे बिल्कुल सेम टू सेम टाइप का कैटेगरी का आपको फिर से सीट देखने को मिलेगा। एक टिकट के अंदर किस टाइप के कैटेगरी का सीट के बारे में लिखा हुआ रहेगा एंड उसी हिसाब से आपको कैसे आपका सीट को फाइंड आउट करना होगा, मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद हेल्प मिली है, कुछ जानकारी मिली है, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी, बी गुड टू गुड सेल एनी वीडियो, विल फॉलो।